खबर ग्वालियर से आ रही है। बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां शहर में डेंगू के 25 नए मरीज मिले हैं। जी हां, बता दें आपको, ग्वालियर शहर में डेंगू के 25 नए मरीज मिले हैं। बड़ी खबर ग्वालियर से, शहर में डेंगू के 142 संदिग्धों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 25 मरीज नए पॉजिटिव आए हैं। आपको बता दें, सितंबर महीने में डेंगू के कुल 209 मरीज अभी तक ग्वालियर में मिल चुके हैं। बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है। मरीजों में 17 साल से कम उम्र के 124 बच्चे शामिल हैं। आपको बता दें, अब तक डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या कुल 432 हो चुकी है। ग्वालियर शहर में डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें, शहर में डेंगू के 25 नए मरीज मिले हैं, जिसमें से 142 संदिग्धों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 25 नए मरीज मिले हैं सिर्फ सितंबर महीने में। आपको बता दें, सिर्फ सितंबर महीने में डेंगू के कुल 209 मरीज अभी तक मिल चुके हैं। बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है। मरीजों में 17 साल से कम उम्र के 124 बच्चे शामिल हैं। बता दें, ग्वालियर शहर में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या कुल 432 हो चुकी है। उसके बाद भी आज नए 25 नए मरीज डेंगू के ग्वालियर शहर में मिले हैं। डेंगू का कहर लगातार ग्वालियर शहर में जारी है। लगातार नए मरीज शहर में मिल रहे हैं। डेंगू के 142 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 25 मरीज पॉजिटिव निकले हैं, और अभी तक सितंबर महीने में 209 मरीज डेंगू के पॉजिटिव निकल चुके हैं। मरीजों में 17 साल से कम उम्र के 124 बच्चे शामिल हैं। आपको बता दें, डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या 432 हो चुकी है। लगातार डेंगू के मरीज शहर में सामने आ रहे हैं, इसको लेकर कई प्रयास किए जा रहे हैं। शहर में डेंगू के 25 नए मरीज सामने आए हैं और 142 संदिग्धों के सैंपल लिए गए थे। आपको बता दें, सिर्फ सितंबर महीने में कुल 209 मरीज सामने आ चुके हैं डेंगू के।